अगर आपकी ज़िंदगी ऐसे चलती हो और अगर बीच में आपको इतना बड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिल जाए तो आप लोगों को क्या लगता है? यानी मैं उस ट्विस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्स के बारे में। अब देखो, आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। मेरे को इस वीडियो इस बारे में ज़रूर से बनानी थी, तो मेरे को बनाना है ये वीडियो। और मैं जो बातें बता रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट की लाइफ में अभी तक जीवित हूँ, ठीक है। तो हम लोग एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। दुनिया के किसी भी कोने में तुम चले जाओ तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर, तो एक अंकल आएंगे और इसे अपने डंडा से टेकेंगे और ऐसे मारेंगे लाठी से, बेटा एग्ज़ाम्स आ रहा है, हाँ इस बार क्या परसेंटेज लाओगे अंकल? 90 अंकल जानते हैं ये घंटा लाने वाला है इतना परसेंटेज, क्योंकि फिर भी अंकल अपनी शर्मिंदगी में यही बोल देंगे, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। अब क्या होता है, अब आप लोग को एग्ज़ाम से यानी स्कूल से, आप लोग तो स्कूल कभी जाते हैं नहीं हो, तो यानी अब आप लोग स्कूल जाते हो। स्कूल जाने के बाद आप लोग को वहाँ पे एक टीचर से एक पेपर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत वाला होता है, जिसके अंदर टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल लेके आप लोग घर आते हो, ठीक है। अब उसके बाद एक हफ्ते तक तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हो। उसके बाद अचानक से एक दिन कॉल आता है, एक दिन से कॉल आता है, रिंग होता है फोन। आप लोग ऐसे फ़ोन उठाते हो और कॉल करते हो, हेलो, मतलब कॉल उठाते हो और बोलता है हेलो। उधर से आपका ये दोस्त बोलता है कि चल भाई ग्रुप स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम आ रहा है। समझ लो वहाँ पे आपके आधे ज़्यादा एल लग चुके होते हैं। अब क्या होता है, फिर मैं पूछता हूँ, हाँ भाई कौन से, मतलब कौन कौन रहेगा ग्रुप स्टडी में? कमलेश, सुरेश, धर्मेश, कमल और भी जितने हराम खोर दोस्त हैं वो सब हैं, यानी जितने बेस्ट फ्रेंड हैं। तो समझ लो आपकी ज़िंदगी आधे ज़्यादा एल में घुस चुकी होती है। अब भाई यहाँ पे आपकी ज़िंदगी नर्क हो चुकी होती है। अगर आपने गलती से भी कभी अकेले में बैठ के पढ़ाई कर ली तो समझ लो जितनी आपने अकेले में बैठ के गलती से भी पढ़ाई कर ली होगी ना, उससे ज़्यादा आप ग्रुप स्टडी में नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है, ग्रुप स्टडी में कभी पढ़ाई होती ही नहीं है। अब क्या होता है, अब ग्रुप स्टडी में सब लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं 5-10 मिनट के, भाई तूने क्या पढ़ा, भाई मैंने इतना पढ़ लिया, भाई तूने क्या पढ़ा, भाई मैंने भी इतना पढ़ लिया, भाई तेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट है, हाँ भाई मेरा कंप्लीट है, भाई तूने ये वाला किया, नहीं भाई मैं लगा लेता हूँ, भाई तेरे को ये वाला आता है, भाई नहीं आता, भाई तेरे को ये वाला आता है, हाँ भाई आता है मैं समझा दूँगा, ठीक है भाई। अब 5-10 मिनट तक ऐसे केस चलता रहता है, उसके बाद सब लोग माइंड लगा के पढ़ते रहते हैं, सब लोग ऐसे करके ऐसे कॉपियाँ खोल खोल के पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं। अचानक से एक हराम खोर दोस्त ऐसे फ़ोन उठाता है और बोलते हैं, बोलते बीबी की वीडियो, बीबी की वीडियो आ चुकी है। अब सारे दोस्त लोग आके उसी के अंदर कंसंट्रेट लगा देते हैं। अब क्या होता है, वो एक महीना के बराबर उन लोग को लगता है। अब वो एक महीना बीत चुका होता है, अब बचते हैं 9 दिन। अब 9 दिन में क्या होता है, आप लोग स्कूल जाते हो, भाई कब से पढ़ना है, भाई कल से पक्का पढ़ना है, भाई कब से पढ़ना है, भाई कल से पक्का पढ़ना है यार, बहुत बोल रहा हूँ भाई कल से पक्का, पक्का ना बोल रहा हूँ कल पक्का। अब भाई कल आता है, भाई कल से ना पक्का पढ़ना है, मतलब समझ लो कल से पक्का पढ़ना है, 9 दिन बाकी हैं, अभी 9 दिन में लोग एक 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 सब्जेक्ट करके अपडेट कर लेंगे, ठीक है। हाँ भाई अब बचते हैं 3 दिन। अब क्या होता है, भाई कब से पढ़ना है, भाई कल से पक्का पढ़ना है, कल से पक्का। अब जो 3रा दिन बाकी रहता है उस दिन क्या होता है, वो बंदा जो कभी मंदिर नहीं जाता था वो एक एक दिन में 2-2 बार मंदिर चला जाता है, 2-2 बार क्या 3-3 बार मंदिर चला जाता है। एक नास्तिक भी बार बार मंदिर जाना शुरू कर देता है कि बार बैठा फकीर भी ये सोचे, नहीं लगता है इसके साथ कोई प्रूवर चल रही है या फिर इसके एग्जाम सर, वो भी साला एक्सप्लेन कर देते हैं। अब बचते हम लोग को एग्जाम के 2 दिन। अब एक दिन पहले तो हम लोग ऐसे कैसे करके 5 बजे सुबह उठते हैं, स्कूल से आते हैं, लेट के सो जाते हैं, खाना पीना खा के, उसके बाद हम लोग उठते हैं शाम के 5 बजे, ऐसे कॉपी उठाते हैं और देखते हैं भाई क्या पढ़ना है। कॉपी सादी रहती है, कुछ लिखा नहीं होता कॉपी के अंदर। हम लोग अपने दोस्त को कॉल करते हैं, भाई मेरे को ये वाला मैसेज, ये वाला फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर दो, भाई ये वाला कर दो, ये कर दो, ठीक है। कॉल करके व्हाट्सअप करा लेते हैं, फोटोज आ जाती हैं, लेकिन तब भी पढ़ना कुछ नहीं रहता। अब वो घड़ी आ जाती है जिस दिन हम लोग को एग्ज़ाम देना होता है। अब एग्ज़ाम देने के बीच में क्या होता है कि जो है, मतलब एक हम लोग सुबह सुबह ऐसे बैग टांग के भारी से जाते हैं, जिसके अंदर एक पैड रखा होता है और आपके पास एक ब्लैक पेन रखी होती है।
आप लोग बैग टांग के स्कूल चले जाते हो। अब स्कूल जाने के बाद क्या करते हो, अब देखते हो नजर दौड़ाते हो पूरे स्कूल कॉरिडोर पे, तो आप लोग को कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं। अब कुछ ऐसे वालों से जाके पूछोगे ना तो वो यही बोलेंगे, भाई क्या पढ़ा है, तुम जाके पूछते हो क्या बोर्ड पढ़ा है, भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, भाई कुछ नहीं पढ़ा, लाइट ही नहीं आ रही थी। अब आप दूसरे जाके पूछोगे जो ऐसे करके बैठा हुआ है, भाई क्या पढ़ा तूने, भाई कुछ नहीं पढ़ा, भाई लाइट नहीं आ रही, भाई गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गया, भाई इसके घर के बगल में मैं रहता हूँ ना तो इस वजह से मेरे यहाँ भी लाइट नहीं आ रही। अब जो कोई ऐसे करके ऐसे खड़ा रहता है उससे आगे मैं पूछता हूँ, भाई तेरे को यार, भाई सब आता है मेरे को, मैं सब कर दूंगा, मतलब एकदम ऐसे पेपर में आग लगा दूंगा, मतलब सब कर दूंगा, कुछ भी होता है ये करके कंप्लीट कर देता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब जब ये हो जाता है, अब ये होने के बाद अब वो घड़ी आ चुकी होती है जब हम लोग क्लासरूम के अंदर बैठे होते हैं, यानी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होते हैं। अब क्या होता है, एक मोटी सी दाई जी आती है, अपनी तोंद हिलाते 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 अंदर आती है और उनके हाथों में इतना बड़ा बंडल होता है जो कि हम लोग के टीचर को दे दिया जाता है। अब टीचर आते हैं और सबको वो शीट बांट देते हैं। अब दो मिनट के लिए हम लोग क्वेश्चन पेपर ऐसे थामते हैं कि हम लोग को सब आता है, हम सब कर लेंगे, हम दुनिया हिला देंगे, हम चांद को दुनिया पे लाके रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब टीचर की बात करें तो टीचर वहां से लेके यहाँ तक फालतू का टहलता रहता है 3 घंटा, ऐसे टहलता है मतलब जिम करना है, अभी जिम करना है तो जाके जिम हॉल में करो, यहाँ करने से क्या मिलेगा। अब भाई बात आती है वो ग्रुप स्टडी की, जो ग्रुप स्टडी में जो मेंबर थे उनकी बात करते हैं। एक दोस्त मेरा वो बैठा हुआ है, भाई तेरे को कुछ आ रहा, भाई कुछ नहीं आ रहा, भाई एक चूर नहीं किया, चल ठीक है। दूसरे वाले से पूछा मैं, भाई तेरे को कुछ आ रहा, नहीं भाई कुछ नहीं आ रहा मेरे को, मैंने कुछ किया ही नहीं तो जो आएगा ठीक है, भाई लाइट नहीं आती, गर्लफ्रेंड आ रहे हैं ठीक है भाई। अब भाई बात करते हैं तीसरे दोस्त की, जो हमारे रोल नंबर 18 चली, जो हमारे आगे बैठा होता है, भाई तेरे को कुछ आ रहा, भाई कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा ठीक है भाई चलो। उसके आगे उसका टॉपर बैठा रहता है ठीक है। अब हम पूछते हैं अपने उस चौथे दोस्त से जो कि हमारे पास जो वहाँ पे खुश होकर खड़ा था, भाई तेरे को कुछ आ रहा। अब जब हम उसके तरफ ऐसे पूछने के लिए मुड़ते हैं तो वो साला ऐसा सर डाउन करके रोता रहता है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता रहता है। तब मैं जान जाता हूँ ये हरामखोर पढ़ाई खाली कुछ करके नहीं आया है, बस खाली इसे मुँह दिखा रहा है कि मतलब मेरे को सब आता है, मैं पेपर में आग लगा दूंगा, आता आता उसको। अब आधा से आधा घंटा बीत चुका होता है, अब 15 मिनट बाकी रहता है। 15 मिनट पे हम लोग अपने सामने वाले से पूछते हैं, भाई तूने कुछ किया, भाई कुछ नहीं आता है। अब वो 5 मिनट भी बीत जाता है, यानी 15 से ज़्यादा 20 मिनट गुजर जाता है, आधा घंटा 20 मिनट गुजर जाता है, अब बचता है 10 मिनट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पेपर में रेस लगना शुरू होती है ना, मतलब समझ लो यहाँ पे आके कि जो बाइक रेसिंग वाली हो ना वो भी फेल हो जाए। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेपर रेसिंग लगना शुरू हो जाती है, मतलब हद ख़त्म करे होते हैं इस तरीके से। और जो हमारे सामने बैठा रहता है जिसको कुछ नहीं आया होता है, ऐसे उठाता है पेपर और मानता है सर ए शीट, सर बी शीट, सर सी शीट, सर डी शीट, मतलब हद ख़त्म करे रहता है, सारी अल्फ़ाबेट की सारी शीटें ले चुका होता है वो, समझ लो इतना ज़्यादा करर होता है। और अगर गलती से आई कॉन्टैक्ट हो गया तो मतलब उसको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ चल ही नहीं रहा, मोर कभी नाचा नहीं, शेर ने कभी गोश्त खाया नहीं, अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे कुछ मालूम नहीं होता है, ये कुछ ऐसा होता है। अब जब हम लोग का पेपर जो कि वो ख़त्म हो चुका होता है तो अब हम लोग क्या होता है, कुछ बंदे आते हैं, भाई तूने पहले वाली का आंसर क्या लिखा था, भाई मैंने एस्ट्रोनॉट लिखा था, नहीं भाई तूने गलत लिखा था। भाई दूसरा आता है पूछता है, भाई पेपर कैसा गया, भाई बहुत खराब गया, भाई हाँ भाई सही बात करो मेरा भी बहुत खराब गया। एक तीसरा हरामखोर वो आता है जो मैं आगे बैठा रहता है, भाई पेपर कैसा गया, भाई बहुत खराब गया, तेरा कैसा गया, भाई इतना इजी पेपर गया, मतलब इतना ज्वालामुखी की तरह एकदम पेपर गया, मतलब ऐसा टट्टी पेपर था, इतना छक्का जैसे वैसे मैंने लिखा और लिख गया पेपर और मैंने दे दिया ऐसा, मतलब ऐसा बताता है वो। मन करता है कि अंदर ही अंदर पकड़ोगे उसकी कर दो। अब भाई बात करते हैं 3 से 4 महीने बीत जाते हैं, जिस 3 से 4 महीने के बीच में हम लोग खूब पबजी खेलते हैं, खूब चिल उड़ाते हैं, और उसी 3 से 4 दिन के बीच में एक आंटी सामने वाली खड़े होकर पड़ोस वाली बोलती है, और बेटा पेपर हो गए, जी आंटी पेपर हो गए, तो इस बार कितने परसेंटेज आएंगे, जी आंटी वो 95 तो आएंगे, अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। लेकिन अंदर से साला दिल को ऐसी धड़कन होती रहती है कि अब मालूम है जो मैंने फिजिक्स के ब्रीफ क्वेश्चन में मैंने जो गाना लिखा था चिंता था थैया थैया पे कितने मार्क्स मिलने वाले, उससे मैं 95% टॉप करूंगा, मेरे को मालूम है।
ब्रीफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये तो सबको मालूम होगा। अब वो 3 से 4 महीना बीत जाते हैं किसी तरीके से। अब भाई बात करते तो हमारी आता है वापस से दिक्कत का सैकड़ा, मतलब एक दिन में एक वापस से वो दिक्कत वापस से रिटर्न लेती है, मतलब वो लखनऊ से वापस इलाहाबाद आती रहती है। अब क्या होता है 21 तारीख जिस दिन रिजल्ट होता है, अब उस दिन रिजल्ट आ जाता है आपके घर। अब क्या होता है हम लोग ऐसे सर पकड़ के लेके बैठे रहते हैं और मम्मी पापा सामने इतनी लंबी चिट्ठा खोले रहते हैं और हम लोग को समझाते रहते हैं बेटा ऐसा नहीं, बेटा वैसा नहीं, चलो ठीक है भाई। हम लोग की उस टाइम प्रेशर की सीटी ऐसे ही बजी रहती है, उतनी देर में बाहर से एक रिंग मिस्ट्री टूटता हूँ। हम लोग इसे दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने वो रिश्तेदार आते हैं जिनको तुमने कभी देखा नहीं होगा और जिनके बारे में तुमने कभी सुना नहीं होगा, और आके ये पूछते हैं बेटा परसेंटेज कितने आए थे, जिसको साले को खुद को अपना बर्थडे नहीं याद रहता, दूसरे की रिजल्ट के दिन याद रहते हैं। साले मैंने तेरे से पूछा था कभी तेरा परसेंटेज कितना आया है, तेरे से मैंने तेरे से बात करी कभी तेरा रिजल्ट कितना आया, मैंने पूछा कभी जो तेरे बारे में आगे पूछा है। मन करता है वहीं बता के उसका रिश्तेदार का गला दबा दूँ, ये तो मेरा मन करता है। बेला वो दिन भी निकल जाता है, उसके बाद से वापस से वैसे ही ज़िंदगी चालू रहती है। और फिर एक और नया हम लोग कंसल्ट बना के चलते हैं, अब हम लोग टॉप करेंगे। सो अगर देखो वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना कहीं मत जाना, शेयर करे बिना कहीं मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा बदतमीजी होगी। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मैं जानता हूँ बहुत से लोग उन लोग को हाईलाइट कर दूंगा मैं कमेंट में, और बहुत से लोग मेरे को ऐसा कुछ बोलने वाले उल्टा सीधा, तो मेरे तरफ से उनको एक शब्द बोलना सही नहीं पड़ेगा, समझ लो मैं उन लोगों को क्या कहने वाला हूँ बहुत बुरी तरीके वाला, तो अपने माइंड में सेटअप कर लो मैं क्या कह सकता हूँ। सबसे गंदी चीज़ समझ में आया मैं वो ये कहने वाला हूँ, मैंने दिमागी दिमाग में बोल दिया, वो लोग समझ जाओ, उन लोगों को मैं कमेंट हाईलाइट कर दूंगा, जाके देख लेना। सो आज की वीडियो में इतना ही, कल और कल मिलते हैं एक टेक वीडियो में और फलाना ढिमकाना वीडियो में। सो आज की वीडियो में इतना ही, मेरे को बहुत मन था ये रोस्ट वीडियो बनाने का तो मैंने बना दिया, और आगे देखो अगर मेरी उम्मीद करूँ अगर इसमें प्यार मिला आप लोगों को तो मैं आगे ही बनाऊंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें बिना कहीं मत जाना। शब्बा खैर।